नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और इस समय मैं खड़ा हूँ स्टेशन के ठीक सामने एक्सेलेंट होटल के समीप। और मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद का अब उदासीन रवैया यहाँ भी देख सकते हैं, जो हमारे पीछे कचरा पड़ा हुआ है अब पिछले 4 दिनों से वो नहीं आ रहा है। और दुकानदारों का कहना है कि वो नियमित रूप से हमसे हर महीने आकर पैसा ले जाता है, फिर भी सप्ताह में 1 या 2 दिन ही दिखता है, बाकी दिन हम लोग खुद से कचरा उठाकर फेंकना पड़ता है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको जी? हमारे यहाँ पेमेंट लेने लगभग महीने पूरते हैं, पेमेंट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद क्या महीना में जो सर्विस हम लोग को मिलना चाहिए वो 30 दिन के जगह 10 दिन मिलता है। इससे हम लोग को बहुत परेशानी होता है। खुद से देखिए कचरा बोरा में भरकर उठा के वहाँ बिकना पड़ता है, तो फिर ऐसा जब हम खुद करना ही पड़ेगा तो फिर क्यों हम नगर पालिका को पेमेंट करेंगे? हमारे साथ और भी दुकानदार, उनसे ही बात करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ सर, कचड़ा ले ये नहीं जाता हर महीना, मैंने दुकान भी बंद रहता तभी 250 रुपया के ले जाता है। उसके अलावा अगर एक आध दिन लेट होता है तो चिल्लाता भी है। उसके अलावा कोई कचड़ा आके ले नहीं जा रहा, आज 4 दिन से नहीं आ रहा। 4 दिन से ज़्यादा हो गया, 4 दिन से ज़्यादा हो गया सर। रात में तो और पूरा कचड़ा जमा होता है, अगर नहीं आता तो आप लोग अपने फेंकना पड़ता है? हाँ, हम लोग अपने फेंकते हैं, क्या करें, हम तो एक दिन के बाद दूसरा दिन हमको भिगवाना पड़ता है। आप सुन रहे थे कि दुकानदारों का क्या कहना है। इनका कहना है कि भाई नगर परिषद पैसा तो समय पर ले जाता है और लेट होने पर काफ़ी हो हल्ला मचाता है, लेकिन समय पर अपना सर्विस नहीं देता, जिसके वजह से हम लोग को कचरा जमा होने के बाद खुद से कचरा को फेंकना पड़ता है। लाइव लगातार के लिए अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।